गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू SST चैप्टर 20 कल्चर एंड साइंस। कल्चर कहते हैं हमारी संस्कृति को और साइंस होता है हमारा विज्ञान। तो हमारी जो संस्कृति और विज्ञान है उसका आपस में क्या संबंध है उसके बारे में स्टडी हम करने जा रहे हैं चैप्टर 20 में। क्लास 6 सभी को ध्यान से अच्छे से वीडियो को वॉच करना है। स्टार्टिंग करते हैं। इंडिया हैज रिच ट्रेडिशन इन दिस फील्ड ऑफ लिटरेचर साइंस एंड एजुकेशन। वी फाइंड एडेंटल एविडेंस अबाउट दिस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ स्कैटर्ड ओवर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। दिस चार्मिंग एविडेंस हैव लेफ्ट द होल वर्ल्ड स्पेलबाउंड। दे अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम बोथ विद इन कंट्री एंड अबॉर्ड। तो स्टूडेंट्स, हम क्या देख रहे हैं इसमें, हमारी जो संस्कृति है और विज्ञान उसमें क्या संबंध है। जो भारत पारंपरिक रूप से साहित्य विज्ञान या शिक्षा के क्षेत्र में संपन्न है, यह हम संपूर्ण भारत में इसके प्रमाण पाते हैं। इन प्रमाणों ने संपूर्ण विश्व को आश्चर्यचकित किया हुआ है। ये प्रमाण देश विदेश के पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन मेन पॉइंट आता है हमारा, इसमें क्या होता है, लिटरेचर। लिटरेचर को हिंदी में कहते हैं साहित्य। अब साहित्य में क्या क्या चीजें आती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया वाज एसेंशियली रिलीजियस इन नेचर, येट इट इन एनकंपास्ड ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इवन द वर्क इन साइंस आर रूटेड इन रीजन। वन थिंग दैट इज कॉन्स्पिशियस बाय इट्स एब्सेंस इज द लिटरेचर ऑन हिस्ट्री। तो जो साहित्य में हमारे आए प्राचीन साहित्य मूलतः धार्मिक प्रकृति के थे, फिर भी इनमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का सम्मिलन किया गया है। यहाँ तक कि विज्ञान के कार्यों का आधार भी धर्म ही है। ऐतिहासिक साहित्यों का इनमें कोई समावेश नहीं होता है। इनमें जो मेन होते हैं हमारे, वे होते हैं सबसे ज्यादा मेन वेद हमारे, उपनिषद होते हैं, पुराण होते हैं, महाभारत होते हैं, रामायण होती है ना, जटका टेल्स होते हैं, त्रिपिटक है, अंगद है और संगम लिटरेचर है। ये हमारे मेन होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं पुराण के बारे में। क्या होते हैं हमारे पुराण, क्या स्टडी हम इसमें करते हैं। दीज आर अ टोटल 18 पुराण। टोटल पुराण हमारे कितने हैं, 18। ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है, हमारे जीके का भी क्वेश्चन बनता है। 18 पुराण, ईच ऑफ देम डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ हिस्ट्री। तो हमारे जो 18 पुराण हैं, वो अलग अलग 5 भागों में बटे हुए हैं। उन पांचों का नाम अलग अलग रूप से, क्योंकि यह इतिहास के बहुमूल्य भागों पर प्रकाश डालते हैं। मेन पुराण हमारे इसमें से होते हैं, जो मेन होते हैं उनके नाम आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, विष्णु पुराण और वायु पुराण। विष्णु पुराण और वायु पुराण और मत्स्य पुराण, एक नंबर थर्ड होता है हमारा मत्स्य पुराण। दिस साइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट डायनेस्टीज लाइक पुरांस, नंदास, मौर्यास। तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि पुर, नंद, मौर्य, कुषाण, साथ ही साथ नगरों, क्षेत्रों, पर्वतों व नदियों के नामों का भी वर्णन इसमें होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा एपिक्स। एपिक्स होते हैं जो हमारे महाकाव्य होते हैं, ग्रंथ होते हैं, उनके बारे में स्टडी हम करते हैं किसमें, एपिक में। द टू एपिक्स, ग्रेट एपिक्स ऑफ महाभारत एंड द रामायण। तो जो मेन हमारे ग्रंथ है वो कौन से हैं, महाभारत एंड रामायण, आर वेरी वैल्यूएबल बिकॉज दे कंटिन्यू द इवेंट्स लाइफ इवन द प्रेजेंट टाइम। दे आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स टू नो द कंडीशन ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी इन दोज डेज। दे गिव विविध अकाउंट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ एम्पायर्स एंड द रिलेशन एंड बैटल अमंग किंगडम। दे टेल अस दैट द वुमेन एंजॉयड आर रिस्पेक्ट। तो देखिए इसमें महाकाव्य में क्या होता है, महाभारत और रामायण जो दो मुख्य हमारे महाकाव्य है, ये बहुत ही बहुमूल्य है, क्योंकि आज ये आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। ये उस काल के समाज व जीवन की स्थिति के बारे में जानने का मुख्य स्रोत है। ये साम्राज्य का विस्तार, राज्यों के मध्य संबंध व युद्धों का सुस्पष्ट उल्लेख करते हैं। ये बताते हैं कि उस युग में नारियों को समाज में सम्मान कितना प्राप्त होता है, जबकि बहुविवाह और जुआ खेलने जैसी बुराइयां भी प्रचलित थी। इसी के साथ नेक्स्ट आता है हमारा बौद्ध व जैन। तो देखिए बुद्धिस्ट कहते हैं बौद्ध लोगों को, जैन टेक्स्ट कहते हैं जैन लोगों को। तो द बुद्धिस्ट लिटरेचर फ्लोरिस्ट ड्यूरिंग द
ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड द त्रिपिटका एंड द जटाका टेल्स वर कंपोज ड्यूरिंग दिस टाइम सिमिलरली द जैन टेक्स्ट अंगस प्रोवाइड वैल्यूबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रीवियस टाइम दे हैव द रिकंस्ट्रक्टेड हिस्ट्री. तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारे बुद्धिस्ट और जैन लोग थे, बोध वे जैन लेख बोध साहित्य प्राचीन काल में विकसित हुआ था. त्रिपिटक व जातक कथाओं की रचना इसी युग में की गई थी. इसी प्रकार जैन लेख अंग उस समय की बहुत ही बहुमूल्य ऐतिहासिक सूचना उपलब्ध कराता था. नेक्स्ट आता है हमारा संस्कृत एंड अदर टेक्स्ट. संस्कृत और अदर टेक्स्ट में क्या दिखाते हैं हमें, द संस्कृत लिटरेचर फ्लोरिश ड्यूरिंग द एंशियंट एंशियंट पीरियड. संस्कृत द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द गुप्त रूलर्स द बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हु यूज्ड पाली इन द बिगिनिंग बिगन टू प्रिफर संस्कृत टू पाली. यू हैव रीड अबाउट कालिदास हु ही रोट अ नंबर ऑफ प्लेज लाइक अभिज्ञान शकुंतलम. तो संस्कृत वे अन्य लेख थे जो हमारे संस्कृत साहित्य का विकास प्राचीन काल में हुआ था. संस्कृत गुप्त शासकों की आधिकारिक भाषा थी. बौद्ध धर्म के विद्वान जो पहली पाली भाषा का उपयोग करते थे उन्होंने भी पाली के स्थान पर संस्कृत को ही चुना था. आप कालिदास के बारे में पहले भी जान चुके होंगे, इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, मालविकाक्रम, रघुवंशनम, ये बहुत सारे रचनाएं किए इन्होंने कालिदास जी ने. इसी के साथ नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें आता है जो पैट्रॉन्स ऑफ लिटरेसी बाय रूलर्स, यानी कि शासकों द्वारा जो साहित्य का संरक्षण हुआ था उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं. इट हैज बीन अ मैटर टू ग्रेट सेटिस्फेक्शन दैट द रूलर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया पैट्रॉन्स लिटरेचर. मैनी ऑफ देम वर मैन ऑफ लेटर्स देमसेल्फ. दे गेव ग्रेंट्स एंड एसेशंस टू पोएट्स राइटर्स एंड स्कॉलर्स इन डिफरेंट फील्ड. तो इन्होंने कहते हैं ये बहुत ही संतोषजनक विषय था हमारा कि भारत के सभी क्षेत्रों के शासकों ने साहित्य को संरक्षण प्रदान किया था. उनमें से कुछ स्वयं भी साहित्यिक व्यक्ति थे जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों को कवियों लेखकों और विद्वानों को अनुदान व सहयोग प्रदान किए थे. नेक्स्ट आता है हमारा कला व वास्तुकला. अब कला क्या होती है, आर्ट, और हमारी आर्किटेक्ट जो होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे. प्राचीन काल में देखिए जैसे एंशियंट इंडिया फ्लोरिस्ट इन डिफरेंट आर्ट फॉर्म, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, ज्वेलरी, मेटल वर्क, वुड वर्क एंड इंजीनियरिंग. तो विचित्र कला, मूर्तिकला, वास्तुकला, आभूषण, धातु कार्य, लकड़ी का कार्य और अभियंत्रिकी इसके अंदर विकसित हुए थे. द पेंटिंग्स इन द अजंता एंड एलोरा केव्स लीव द विजिटर स्पेलबाउंड बाय देयर ब्यूटी एंड फाइनरी. तो जो अजंता और एलोरा की गुफा, ये नाम पहले भी सुना होगा आपने, अजंता और एलोरा की गुफाओं की चित्रकला दर्शकों को अपनी सुंदरता तथा उत्कृष्टता से आश्चर्यचकित करती है. A large number of images and other inspection have been found which belong to the ancient period. These are living proof of the height that sculpture attained in those early times. तो इसमें क्या होता है हमारे क्या कि हम ऐसी अनेक स्मारक व इमारतें देख भी लेते हैं कई बार जिनमें प्राचीन भारत के वास्तुकला में समृद्ध होने के प्रमाण भी मिलते हैं. हम ऐसे देवगढ़ व कानपुर के मंदिर या भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है, ऐसे खजुराहो का महादेव मंदिर है, दक्षिण भारत के अन्य मंदिर प्राचीन वास्तुकला की उत्कृष्टता का भी जीवित प्रमाण है. मैरोली का लोह स्तंभ प्राचीन काल की धातु कला की ऊंचाइयों का प्रमाण है. इतनी शताब्दियों के पश्चात भी इसमें जंग नहीं लगी है. पीतल की प्रतिमाएं भी इस कथन की पुष्टि करती हैं. प्राचीन काल में क्या था, प्राचीन काल में उच्च कोटि के लकड़ी के कार्य भी चलन में थे. लोग अपने दरवाजों और खिड़कियों में विभिन्न प्रकार के प्रतिरूपों की भी नक्काशी कराते थे. बहुत से औजार और सजावट की वस्तु भी लकड़ी से बनाई जाती थी. इसी के साथ क्या होता था इसमें, द एंशियंट हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो एंड हरप्पा आर साइट्स ऑफ एक्सीलेंट इंजीनियरिंग स्किल्स. तो जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन उत्कृष्ट वास्तुकला के उदाहरण है, स्तंभ अभिलेख तथा इमारतें भी वास्तुकला की कुशलता की गाथा गाती हैं. अभिलेख स्तंभों की बिना हानि पहुंचाए हजारों मील की दूरी तक पहुंचना भी एक आश्चर्य का विषय था. इसके अतिरिक्त इन स्तंभों के रंग आज भी वैसे ही है जैसे ये हजारों वर्ष पहले थे.
नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। मैथमेटिक्स के जो मेन ज्ञाता थे हमारे थे आर्यभट्ट, नाम आपने पहले भी सुना होगा, और एस्ट्रोनॉमी कहते हैं खगोल विज्ञान को। तो आर्यभट्ट एंड वारामिरा वर्ता वर फाइन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर्स। आर्यभट्ट रोट इन हिज आर्यभट्ट दैट इट इज द अर्थ विच मूव्स राउंड द सन एंड नॉट द अदर वे राउंड। तो देखिए आर्यभट्ट और वाराहमिहिर उच्च कोटि के गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री रहे हैं। आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में लिखा है कि यह जो पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है, वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। हम बचपन से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं, न कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। उस समय किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन हम देखते हैं वे सही थे। उन्होंने यह भी बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर ही घूमती है। वृत्त संहिता वारामिहिर द्वारा लिखित विज्ञान का एक विश्वकोश है, जिसे वे खगोल गतिविधियों तथा सूर्य व चंद्र ग्रहण की सटीक गणना कर सकते थे। अलजेब्रा वॉज द रीजन ऑफ इंडियन एंड ग्रीक ज्योमेट्री वॉज यूज टू इन मेकिंग द सेक्रीफाइस पॉइज यजन। द एक्यूट राइट एंड ऑब्ट्यूज एंगल वर ऑल्सो नोन टू द इंडियंस इन द एंशियंट टाइम। तो दशमलव सिद्धांत प्रणाली तथा शून्य वैदिक गणित शास्त्र के अंक थे। अंकों के स्थानीय मान की गणना भी की गई थी। भारतीय संख्यान पद्धति अरबी व्यापारियों द्वारा भी मान ली गई थी। यही कारण है कि संख्यान को हिंदू अरबिक संख्यांकन पद्धति भी कहा जाता था। बीजगणित का एक मूल भारतीय या यूनानी है। ज्यामिति का उपयोग यज्ञ के लिए, यज्ञ बर्तन बनाने में किया जाता था। प्राचीन भारतीय न्यून समकोण तथा अधिक कोण के बारे में भी जानते थे। नेक्स्ट होता है हमारा मेडिसिन। अब मेडिसिन होती है हमारी दवाइयां, यानी कि औषधि विज्ञान। औषधि विज्ञान हमारा किस तरह से चला है, देखिए। डायग्नोस द डिजीज एंड देयर ट्रीटमेंट बाय द यूज ऑफ हर्ब्स इन एन एंशियंट सिस्टम इन इंडिया। द आर्य अथर्वेद मेंशन मेनी सच हर्ब्स एंड डिजीज। तो देखिए औषधि विज्ञान में क्या हुआ, जड़ी बूटियों के उपयोग से बीमारियों का निदान व उपचार भारत की एक प्राचीन प्रणाली है। अथर्वेद में ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियों व बीमारियों के वर्णन मिलते हैं। सुश्रुत चरक और धनवंतरी अपने समय के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। सुश्रुत ने अपनी सुश्रुत संहिता में मोतियाबिंद पत्री रोग आदि के बारे में भी बताया है। उन्होंने शल्य चिकित्सा में उपयोग की जाने वाली 121 औजारों के बारे में बताया था। इसी प्रकार चरक द्वारा लिखित एक चरक संहिता पौधों तथा जड़ी बूटियों से बनी भारतीय औषधियों के नाम के बारे में हमें नॉलेज देती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमारा आता है मेथोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। तो मेथोलॉजी तो कहते हैं धातु कार्य। अब धातु कार्य क्या है, किसी भी धातु से बना। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द आयरन पिलर इन मेहरोली। आपने पहले भी सुना होगा मेहरोली का जो लोह स्तंभ है उसके बारे में सुना होगा। बिसाइड इंडियन क्राफ्ट मैन वर एडॉप्ट द मिक्सिंग डिफरेंट मेटल्स एंड मेकिंग फाइन पीसेज ऑफ ज्वेलरी इमेज एंड टूल्स। द इंडियन ज्वेलरी मेड फ्रॉम गोल्ड सिल्वर एंड स्टोन वॉज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया मेड कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन मैन्युफैक्चरिंग कॉटन वूलन एंड सिल्क गारमेंट्स। ऑल्सो सेवरल टाइप ऑफ कलर्स एंड डाइज आर यूज फॉर दीज क्लोथ निडल वर्क फॉर डूइंग एम्ब्रॉयडरी टू इन फैशन। तो देखिए जो हमारा धातु कार्य और तकनीक था, आपने जैसे कि मेहरोली के लोह स्तंभ के बारे में पहले भी सुना होगा। इसके अलावा भारतीय शिल्पकार विभिन्न वस्तुओं के मिश्रण से आभूषणों प्रतिमाओं औजारों के निर्माण में भी निपुण थे। सोने चांदी व पत्थरों से बने भारतीय आभूषण संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध थे। भारत में सूती ऊनी व रेशमी वस्त्र बनाने की कला भी विकसित थी, जिन्हें रंगने के लिए विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता था। सूर्य द्वारा कढ़ाई का काम भी चलन में था। तो स्टूडेंट्स इस सब की स्टडी आपने चैप्टर 20 में की है, जिसका हमने बहुत अच्छे से रीड किया है। आप सभी को अपनी बुक से रीड करना है, वीडियो को वॉच करना है। नेक्स्ट टर्न पर आपको चैप्टर 19 एंड चैप्टर 20 के नोट्स सेंड किए जाएंगे। सभी को दोनों चैप्टर का वर्क अपनी कॉपी में प्रॉपरली करना है। थैंक यू एवरीवन।